आटे की फरी बनाएंगे। आटे की फरे बहुत हेल्दी स्नैक्स है और फैट फ्री है। आइए आटे की फरे बनाने शुरू करते हैं। ये हमने 1.5 कप आटा लिया है, इसमें 1/2 चम्मच नमक मिक्स कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा मल लेंगे। आटे का बहुत ज्यादा हार्ड डो नहीं मलेंगे, नॉर्मल आटा मलकर डो तैयार करेंगे। आटा मलकर तैयार हो गया है, अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम ये चने की दाल पीस लेते हैं। ये 1 कप हमने चने की दाल 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दी थी, इसके बाद इसका सारा पानी चलनी में छान कर निकाल दिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। अब थोड़ी थोड़ी दाल मिक्सी में डालकर इसको बारीक पीस लेंगे। दाल पीस गई है, अब इसमें मसाले मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लिया है हमने, और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये भी इसी में मिक्स कर देते हैं। आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सारा अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। फरे के लिए फिलिंग बन गई है, अब आटा भी सेट हो गया है। आटे में से छोटी छोटी सी लोई तोड़ लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा हाथ में घी लगा के इस तरीके से छोटी छोटी सी लोई तोड़ लेंगे। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और छोटी छोटी पूड़ी इसकी बना लेंगे। इस तरीके से बना लेंगे छोटी छोटी पूड़ी, और इसमें जो फिलिंग तैयार करी है उसको स्टफ कर लेंगे। एक चम्मच अच्छी तरीके से भर लेंगे और चारों तरफ फैला देंगे, और गुजिया की तरह आटे को इस तरीके से चिपका देंगे। अच्छी तरीके से प्रेस करके चिपका देंगे जिससे खुले नहीं। और इस तरीके से बना के रख लेंगे। ऐसे थोड़ा सा आटा और लेंगे और उसकी भी इसी तरीके से पूरी बनाकर भर लेंगे, और इसी तरीके से सारे फरे तैयार कर लेंगे। गैस ऑन करते हैं और पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये हमने कढ़ाई में करीब 1.5 लीटर पानी लिया है, आप अपने बर्तन के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा पानी कर सकते हैं, जितना फरे पानी में आसानी से डूब जाए। 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे, और जब पानी खोल जाएगा उसके बाद फरे बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, पानी खोल गया है, अब फरे एक एक करके इसमें डाल देते हैं।
चार पांच फरी एक बार में डाल देंगे और इसको ढक देते हैं। इसको बॉईल करेंगे और बीच में एक बार चेक कर लेंगे, यदि अंदर से ये कच्चे होंगे तो फिर दोबारा इसको थोड़ा सा और बॉईल कर लेंगे। 3-4 मिनट हो गया है, फरे देखिए अब बॉईल होकर ऊपर तैर कर आ गई हैं। इसको एक साइड से पलट देते हैं जिससे ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। फरे बॉईल हो गए हैं, अब इसको पानी में से निकाल लेते हैं। अब इसी पानी में बाकी बचे हुए फरे डाल देते हैं, ये भी बॉईल हो जाएंगे। फरे थोड़े से ठंडे हो गए हैं, अब इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। ये देखिए अंदर से ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बॉईल हो गए हैं और इसी तरीके से सारे फरे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आइए गैस ऑन करते हैं और फरे को मसाले में फ्राई कर लेते हैं। 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, 1 चम्मच राई डाल देते हैं, 1 पिंच हींग, 10-12 करी पत्ता, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चला लेते हैं और सारी फरे इसमें डालकर मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच से कम काला नमक, 1/2 चम्मच अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस बंद कर देंगे और फरे को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आटे के फरे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कीजिए, आप इसे बनाइए खाइए। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। रचना मेरुत्रा.com